फूल बरसाओ मेरा महबूब आया, कितना अच्छा गाना है कि महबूब आने से बाहर हो फूल बरसाओ। अब आजकल के जमाने में ऐसे ऐसे गाने लिख दिए साहब जिनका कोई मतलब नहीं है, गाना चला वो पानी पानी पानी। यहाँ पर भी आपको अच्छी लगे, बात आपके दिल तक जाए या बात आपके समझ में आए तो आपको बराबर तालियां बजाना है साहब। आपकी तालियां हमारे लिए ऊर्जा का काम करेगी। आशीर्वाद वर्शीवाद कोई देना नहीं है, आशीर्वाद देने का मतलब है कवि सम्मेलन में ऐसा हुआ कि कवित्री कविता पाठ पढ़कर रहेंगे, आपका आशीर्वाद चाहती हूँ, आपका आशीर्वाद चाहती हूँ, नीचे से 3-4 नौजवान आए उसके सर पर हाथ घुमा के चले गए, ऐसा आशीर्वाद नहीं देना, आपको तालियां बजाना है बस। फिर आपने ही करके काम चला लिया, ताली वाली बजाना। हाँ पुराठे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हाँ माता बहने शंका में बैठी हो कि या नानी है या नाचेगा तो ऐसा कोई वेगा नहीं हटे। तो साहब बात समझ में आए तो भी आपको ताली बजाना है, बात नहीं समझ में आए तो भी ताली बजा देना है। अच्छा समझ में आई ना ताली बजाई इसका मतलब आप समझदार हो, बात समझ में नहीं आई ना आपने ताली बजाई तो आपका पड़ोसी समझेगा कि यार मेरे से ज्यादा ये समझदार है यार। तो आपको समझदार होने का बराबर सबूत देना है। भाई साहब फोटो मारो नहीं आवेगा आपका, टेंशन ली रहा अतरी लोड मत लो, मार कलर अशोज है। एक दो थी बेटा हो मारा लगा, एक आप रे LDC साहब है कारूलाल जी, ये मन देखी नशो लागे रमेश जी जान में दो आशी माशी रे भाई भाई आज। अब ताली वाली बजाओ आप, बात समझ में आई आपके तो साहब वहां पर आपको ताली बजाना है। मिनट का खेल नहीं है, जब तक आप सुनोगे तब तक आनंद आएगा। मैं तो ये कहना चाहता हूं कि ये सोच कर मत बैठो कि ये सोच कर मत बैठो कि आपके पेंट की क्रीज गंदी हो जाएगी, अरे ये सोच कर बैठ जाओ कि इसी बहाने भारत माता की मिट्टी नसीब हो जाएगी, इसी बहाने भारत माता की मिट्टी नसीब हो जाएगी। एक ही भाई साहब की समझ में आई, मैं आपका बहुत आभारी रहूंगा। माँ भारत, भारत माता की बात हुई और तालियां नहीं बजी ये अच्छी बात नहीं है साहब। देशभक्ति बड़े बड़े शहरों में जिंदा हो नहीं हो लेकिन अपने गाँव में आज भी देशभक्ति जिंदा है, हम भावुक लोग हैं तो देशभक्ति का बराबर आप वो हमें साथ कि गांव से अगर गंदगी भगानी है तो नालियां जरूरी हैं, मलेरिया घर में नहीं आए इसके लिए दरवाजे और खिड़कियों पे जालियां जरूरी हैं, और ससुराल में अच्छी सेवा हो इसके लिए 2-4 थालियां जरूरी है, और इस कवि सम्मेलन को सफल बनाने के लिए आप सबकी जोरदार तालियां जरूरी है, आप सबकी जोरदार तालियां जरूरी है। बस आप तो इतनी बजाते रहना, और मैंने पहले ही कहा आप पुराठे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, जैसे अपने रोजड़े भगाते कि नहीं ऐसे। हाँ क्यों पुराठे करना पड़ेगा, बहुत सारे CPS होल्ड पे चले गए इसलिए पुराठे अपने को करना पड़ेगा। सम्माननीय सरपंच साहब यहाँ बैठे हैं साहब, मुझे कुंवर बेचैन साहब की 4 लाइनें याद आती इनको देख कर कि सारी धरा भी साथ दे तो और बात है, कि सारी धरा भी साथ दे तो और बात है, तू जरा भी साथ दे तो और बात है, और चलने को तो एक पांव पे चलते हैं लोग लेकिन दूसरा भी साथ दे तो और बात है। लेकिन एक बार जोरदार तालियां आप सरपंच साहब के सम्मान में बजाए, जो साहब कड़ी मेहनत करके पंचायत के विकास के लिए दिन रात एक करते हैं। रमेश जी सर लोकल कवि को बुलाने का एक फायदा होता, अगर बजट कम होता मस्टोल में हाजिरी भी भरवा सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। हाँ आजकल यही चल रहा है। हाँ नहीं सही कह रहा हूँ सर मैं, बिल्कुल आप हाजिरी भरवा सकते हो, 10 से 20 के फोटो हो जाते हैं, 10 से 100 की हाजिरी भी भरवा जाती है, ऐसी कंडीशन है, अपना विकास ऐसा हो रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ऐसी बातें भी होती रहेगी मंच से। या नरेन जी जैसे कारूलाल जी जैसे पहलवान, इन्होंने कहा कि एक एक कवि को नीचे फेंक दो हम जेल लेंगे, तो साहब सुरेंद्र जी सुमन को फेंका जेल के नीचे उतारा, सुरेंद्र बम को फेंका, 4-5 ने एक साथ जेला फिर नीचे उतारा, कवित्री को फेंका थोड़ी देर गोद में रखा फिर नीचे उतारा, जुई मेरे को फेंका किसी ने नहीं जेला, और कहा कि बरियता का ऊपर ही रेवा दो यार। जब से सरकार ने नियम किया लेडीज मेट, मेरे गांव का सचिव बार बार मेरे घर ही आके कहें भाभी जी को मेट बना दे, मैंने कहा गांव में मेरी मिसेज दिख रही थी रखो के खूबसूरत यही है। ये सब जगह समस्या हुई, कारूलाल जी कहाँ गए हो, आपको देखकर मार घरवारी याद आई जमाने। कारूलाल जी की चेहरे की मुस्कान इतनी अच्छी है कि ऐसी कैसी मेरे घरवाली की मुस्कान है, इसलिए कारूलाल जी को देखकर याद आ जाती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आज याद नहीं आ रही क्यों, कारूलाल जी बैठे हैं यहाँ, बहुत अच्छी बात इसने कही, देशभक्ति की बात करी, पाकिस्तान की बात करी, गद्दारों तक ले गया, मैं ऐसी कोई बात नहीं करूँगा, ये पपाया कौन वजह रहा हूँ।
अच्छा माता बहनें बैठी हुई हैं, इनकी बात भी होनी चाहिए ताकि इनको भी लगे कि यार हमारी बात भी हुई। एक कवि सम्मेलन में से आ रहा साहब में ट्रेन में, अब मैं ऊपर सोया हुआ, नीचे दो माताएं बहनें बैठी हुई, एक की उम्र होगी लगभग 60 साल और दूसरी की उम्र होगी लगभग 40 साल। अब माताएं बहनें जान पहचान बहुत जल्दी से निकलती है। वो 40 वाली ने 60 वाली से पूछा कि कहो बहन जी आपकी उम्र कितनी होगी, तो 60 वाली देख के बोली कि 30 साल। अब ये सुनकर ना मेरा दिमाग खराब हो गया। अब उसने कहा कि मेरी तो 30 साल है, आपकी कितनी होगी, तो वो 40 साल वाली देख के बोली कि आपकी 30 साल है तो मैं 16 साल। ये देख के मैंने ऊपर से नीचे देखा, मैं नीचे गिरा धड़ाम से। वो देने बोली ये क्या हुआ, मैंने कहा मैं पैदा ही हुआ। ताली बजाओ आप, फिर ही करके काम चला लिया। समस्या हो जाती है ऐसी कंडीशन कई 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 हो जाती है। ये आपके ग्राम विकास अधिकारी राधेश्याम जी धाकड़ साहब, ये सुबह वहां निकले पेट्रोल पंप पे, वहां क्या भीड़ पड़ रही साहब, आम छाप पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भराने के लिए आए गाड़ी लेके, और भीड़ पड़ रही। उधर से एक लड़की आई 22 साल की स्कूटी लेकर, रमेश जी सर सही की घटना है राधेश्याम जी धाकड़ साहब के साथ हुई आज। और 22 साल की वो लड़की आई स्कूटी लेके, अब इनको देखकर ने वो मुस्कुराई। पहले तो ये नहीं मुस्कुराई कि मेरे को देखकर क्या मुस्कुरा रही होगी, फिर इन इधर से ये भी मुस्कुराए, दो गाड़ी में और पेट्रोल भरा, फिर आगे लाइन चली, फिर वो इनको देखकर मुस्कुराई, राधेश्याम जी भी उस लड़की को देखकर मुस्कुराए। धीरे धीरे दोनों पास में आए। पास में आने के बाद उस लड़की ने राधेश्याम जी धाकड़ साहब से कहा कि आप मेरे को देखकर क्यों मुस्कुरा रहे हो, तो राधेश्याम जी धाकड़ साहब ने कहा कि वेंडी सॉरी, थारी स्कूटी चार्जिंग वाली है। आपने खाले तक अमन में ऐसे कह आवा कि तू पेट्रोल पंप पे कहीं करवाए। हाँ, ये क्या समस्या हो जाती है, कई प्रकार की घटना हो जाती है। माँ सरस्वती की वंदना करी थी इस बिरियन जी ने, आप सब अच्छे गौर से सुनी, बहुत सारे तो गौर से देख रहे थे, यो छोरो कदीरो देखी रो बेटा इतारा बुआ जी है, हाँ ये राखी पे नहीं आया था बार आया ही, सर पापा ने कीजिए एवरा साड़ी वाड़ी ओढ़ा है तो ओढ़ ही दीजिए। हाँ कदीरो झुकी झुकी देखी रो आराम थी, इतो देख देखवा वाते बुलाइए। हाँ मारो दा फोटो खींची सको, हाजे राते सोरा दरपावा काम दे। हाँ कणकर होवे तो अति देनो फोटो। तो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया, कितना अच्छा गाना है कि महबूब आने से बाहर हो फूल बरसाओ। अब आजकल के जमाने में ऐसे ऐसे गाने लिख दिए साहब जिनका कोई मतलब नहीं है। गाना चला वो पानी 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 भगवान राव अगनवंडी, दूसरी लाइन मैंने आज दिन तक चंपटनी पड़ी। अच्छा वन में हीरोइन कपड़ा भी इतना कम फेरी मिलिया कि एक 8 साल को बच्चों टीवी में देखी रो, अब वो जो हुआ हीरोइन कपड़ा कम फेरी नाचीरी, वन का दादाजी आया वन छरम आई की चैनल बदली दो, वन का दादाजी देखिन बोलिया कर बेटा हाउस गंगा माता और भजन चाली रो तो सालवा दे तो गए। जमाने में गाना चला भोली सी सूरत आंखों में मस्ती दूर खड़ी शर्माए, अब इसकी पहली लाइन अच्छी है कि भोली सूरत हो सकती है दूर जाके शर्मा सकती है, लेकिन इसकी दूसरी लाइन मिस्टेक कर गई कि मेरी नजर से तुम देखो तो यार नजर वो आए, जद आप सब मारी नजर थे यानी कवित्री ने देखो तो थाने आका मोतिया बिन हुई हो। एक गानो मिस्टेक करी गयो, छत पे सोया था बेनोई में तने समझ के सो गई, न मुझको राणा जी माफ करना गलती मारे से हो गई, अरे वेंडी लगी अगर हुई गई फिर राणा जी केवर क्या जरूरत थी। कोई मतलब नहीं उसे कि पूजोगे राम को, कि पूजोगे राम को तो राम मिल जाएंगे। सबसे सही 4 लाइनें जो मैंने मेरी जिंदगी में लिखी, इसके अलावा लिख ही नहीं सकता मैं, रमेश जी सर लखन ही नहीं है अपने। कि पूजोगे राम को तो राम मिल जाएंगे, जाओगे मथुरा तो श्याम मिल जाएंगे, लेकिन लेकिन अगर माँ बाप की सेवा कर ली तो फिर घर बैठे ही चारों धाम मिल जाएंगे, तो फिर घर बैठे ही चारों धाम मिल जाएंगे। भक्ति जिंदा होना हो सर रमेश जी, लेकिन छोटे छोटे गाँव में आज भी देशभक्ति जिंदा है। एक गाँव में बुआ जी, हाँ चुप भी जाओ आप, हाँ यहाँ देखो बत्ती जो यहाँ रही हो अपने, हाँ अपने को यहाँ मंडा शादी रवि गारा नहीं गायनी हटे, तो साहब आपकी बात भी होगी साहब। एक माँ, एक गांव में एक माँ होती है, उसके 3 बेटे होते हैं, तीनों बेटों को वो भारत माता की सेवा के लिए सेना में भर्ती करवा देती है साहब। उसका बड़ा बेटा शहीद होकर आता है, उस माँ की आंखों में से किसी प्रकार के आंसू नहीं होते, वह खुशी खुशी उसका अंतिम संस्कार करवाती है। 4 बरस बीत जाते हैं
उसका दूसरा नंबर का बेटा शहीद होकर आता है, वो माँ उसका भी खुशी खुशी अंतिम संस्कार करवा देती है, लेकिन 7 बरस बीत जाने के बाद वो माँ और बूढ़ी हो जाती है। उसका तीसरा आखिरी और सबसे छोटा बेटा जब शहीद होकर आता है तो उस माँ की आंखों में से इतने तेज आंसू निकलते हैं कि एक पत्रकार बंधु से रहा नहीं जाता, उस माँ से सवाल कर बैठते, सर कि माँ जी जब आपके 2 बेटे शहीद होकर आए आपकी आंखों में से किसी प्रकार के आंसू नहीं थे, लेकिन तीसरा आखिरी और सबसे छोटा बेटा जब शहीद होकर आया था आपकी आंखों में से आंसू, इसका मतलब ये है कि आप उन 2 से प्यार नहीं करती थी, ये तीसरा और आखिरी और छोटा था, ये सबसे लाडला था, आप इसको ज्यादा प्यार करती थी इसलिए आपकी आंखों में आंसू आ गए। अब मैं चाहता हूँ कि उस माँ का जवाब अगर आपको अच्छा लगा है तो एक भी हाथ खाली नहीं रहना चाहिए, उस माँ के सम्मान में ताली बजनी चाहिए। उस माँ का जवाब था कि बेटे मेरे वो दोनों बेटे लाडले थे या ये था या नहीं, इस बात के लिए मेरी आंखों में आंसू नहीं है, मेरी आंखों में आंसू तो इस बात के लिए आ गए कि अब मेरे कोई संतान नहीं, मैं किसको भारत माता की रक्षा के लिए भेजूंगा। ये देशभक्ति होती है साहब। कोई कह देता मैं भारत माता की जय नहीं बोलूं, कोई कह देता मैं वंदे मातरम नहीं बोलूं, तब मैं कहना चाहता हूं कि उठे अगर नजर भारत माँ पर तो उस आंख को फोड़ दो, कि उठे अगर नजर भारत माँ पर तो उस आंख को फोड़ दो, जिस चीज से शरीर में तकलीफ हो उसको खाना छोड़ दो, और जो गद्दार भारत माता की जय और वंदे मातरम बोलने से इनकार करे अरे उसको चौराहे पे लटका कर फोड़ दो, उसको चौराहे पे लटका कर फोड़ दो, भारत माता की जय हो जाती है। बता रहे थे लॉकडाउन की बात, लॉकडाउन में दागड़ साहब क्या हुआ कि लॉकडाउन में घर से आना जाना बंद, अब हमारे गाँव में एक दुकान किराने की, तो सेठ बांध दिमाग लगाया, उन्होंने कहा अभी एक ही दुकान है अपने गाँव में, दुकान ही नहीं है, अच्छी बिक्री होगी, उन्होंने सब आइटम रख लिए, रेडीमेड कपड़े भी रख लिए, जूते चप्पल भी रख लिए। मैं गया वहां पर चप्पल लेने के लिए, अब मैं चप्पल लेने के लिए गया तो जो चप्पल लेवा के छेड़ बन गई कि दो पहला सैनिटाइज थी पग धोया, उनके बाद कपड़ा थी पूछा, फिर हाबू थी पग धोया, फिर कपड़ा थी पूछा, पच्चे चप्पल फिर आयो, पच्चे देखिन बोलिया और कहीं लेनो, कहीं मन क्यों लेनो तो सड्डी बनियान भी था, पर दकवा दो आप, ये समस्या हुए कई प्रकार की समस्या है। अच्छा कही है रमेश जी मु तो पैदा दांत कड़ावा थे हो, हां जणी अस्पताल में पैदा हो आधा घंटा तक तो नर्सा ने पहला दांत काढ़िया ने पसे देखियो को ने देखो के आदमी है कही है, हां कई प्रकार की समस्या विदा जी। अच्छा मार घरवारी गणो बढ़िया फायदो है, करवा चौथ के दिन आप सब की घरवारी रात 10-12 बजे व्रत खोलती होएगा, मार 5 बजे खोल लेवा एकदम बाबार, करवा चौथ के दिन 5 बजे की यहां हो यहां थाणी पूजन करनी, मन क्यों कहां के व्रत खोलनो, मन के थारती नी रेवा थन रेणुन सावे के थान में अक्कल को नी, मन क्यों कहा कि जदी चांद नगे आवेगा वदी थी नगे नहीं आओगा, नब्बर थी नगे आई रहो जो व्रत खोली लू, अत्रो दिमाग अत्रो फायदो रे मतलब कारा आदमी रे। अच्छा जनन कहिए कवित्री काजर नहीं लगे ना आवे वंदन मने मेरे बेवाल ले के अणानत बेवाल लो आपने, ये भाई साहब आया महाराज कलर रहा भी ये भी आधी रात है इतरी घूमे देखा यार, कई प्रकार की समस्या है, टेंशन नहीं लेनी आपने कभी भी। ये जो भाई साहब खड़े हैं कहाँ आपसे भी निवेदन है, वो जो और पीछे हैं उनसे भी मेरा एक निवेदन है कि आगे आ जाइए आप, भाई साहब को मेरी बात अच्छी लगी, भाई साहब आपके लिए मैं आभारी रहूंगा हमेशा के लिए, लटली ना हीरा भाषा ही। एक बार एक कवि सम्मेलन में इतरी मु कविता पढ़ने भाषा आया लटली ने, ये जान ये आवे ये जान ये आवे, मन के बादशाह कन्ने होती रहा कि आप तो कविता बोनो मु तो बने होती रहो जने थाने बुलाया है तो माणाणा नरेंद्र जी ने हो जो आप, हाँ हाँ बेटो जेब में दे हाथ निकाल दो आप, बिल्कुल हाँ मैं चल आई रहा दाने में दे अमरीश पुरी आई रहो है, कहाँ के अभी कवित्री आई रही मंच पे, हाँ गिजड़ा विजड़ा पूछ ही लो, हाँ वो नानो सली गयो उनका बुआ जी अभी आया ना गद्दी रो जुगी जुगी देखी रहो तो चाय की रहा था कुंवर जी आप लपड़ो यो पड़ियो जन को चाय न पानी को टेंडर भी हो वो अबे आयो वो थोड़ो क्या प्राइवेट काम थी गयो तो खैर कई बात नहीं पैसा काटी लेगा ही कई दिक्कत वाली बात नहीं। दोनों की शक्ति का लग रही है मंच से सब कह रहे थे अभी कह रहे थे वो लड़की भाग गई, अब लड़कों की शक्ति का लग रही मैं आपको बताऊं नौजवान लड़कों की कि बाह में है और कोई चाह में है और कोई राह वाली को भी मुस्कान दे के आ गए,
एक से लड़ाए ने दूसरी का लिया चैन, तीसरी को शादी की जबान दे के आ गए। और आज के ये मजनू तो खुद ही न जानते हैं, कहां कहां प्रेम के निशान दे के आ गए। और जिन लिफाफों में प्रेम पत्र भेजा करते थे, उन्हीं लिफाफों में कन्यादान दे के आ गए। आजकल तो मोबाइल थी साल रो प्यार, रमेश जी आपके जमाना में खती साल था ही। पर आते पहले कहीं पड़ तो आप लिफाफा कन्यादान करी नहीं जाता। आप मारा पड़ोसी होती मन थोड़ा कौन जान है आप। हाँ, अब कहीं मोबाइल थी सोरो माँ बाप के मेरे बिन सलावे भन्नाट अंग्रेजी मोबाइल बावड़ा मम्मी पापा हमजे के ऑनलाइन क्लास लीरो देखा ने वड़ा यो मालूम नहीं सेटिंग थी बात करी हो। यो जमानो आई गयो कि जमानो कटे थी कटे आई गयो कि जनके नाक में एड़ो आयो वही मोबाइल चली रो छोरो छोटो को ने मोबाइल हाथ में तो साहब आजकल सेटिंग का ही मोबाइल थी वीरी फोन लगावे कि बाबू बैलेंस खत्म हो गया है ये थी बाबू बैलेंस लाके वह दूसरा मिस कॉल कर दे। यो जमानो है साहब यू नहीं कुछ मुस्कुरा कर दो। और अगर अंबा माता वाले को ही दिल देना है तो फिर हथेली पर सजा कर दो। आपके बार बार फोन आई रो नहीं धाकर साहब नींद आई रही क्या आपने? कोई दिक्कत नहीं है। रमेश जी के बार बार फोन आई रो आधी रात रातें दो आदमी के फोन आवे गिरदावर साहब, एक तो उधार वाला के दूसरा जुगाड़ वाला के। आज से 15 साल पहले सुरेश जी बम और हम जब कवि सम्मेलन कम होते थे कि यार कुछ न कुछ और काम करे, मैंने कहा क्या करे? ये काम करे अपन डॉक्टर बने। हमारा मन के थानो दिमाग खराब है कि इंजेक्शन गलत लग गया उनके आदमी मरी करी गयो तो आओ अभी बहाने घूमीरा जेल में जानू पड़ेगा। तो आदमी अत्रो कलाकार है कि मनोहर तू टेंशन मत ले, आप ही डांडा का डॉक्टर बनाना पशु चिकित्सक, बे अगर मरी भी गई तो 60-70 हजार में तोड़ भी जाएगा, थाना उदी मामलों नहीं जाएगा। मन को ठीक है, अम्मी गया साहब इंदौर एक बड़ा पशु चिकित्सक पे हिकवा, अम्मा दो इन कंप्यूटर रखिया वोटे मुकेश भाव सर भी आयो कि मु भी हिकू तीन ही गया। अब वोटे गई वो साहब गिरदावर साहब एक हाथी को ऑपरेशन आयो, अमन के अमाश्य मिस्टेक वीरी। अब हाथी को ऑपरेशन की दो टांका लगाया माने 87 टांका आया, 87 टांका मने लिलदा वन के बाद मालूम पड़ी कि सुरेश बम ने नगे हीरो यार। अब मो टेंशन में भी यो तो मुकेश भावसार ने फोन लगायो तो सुरेश बम अमाश्य में फसो तो को रीजन की रो यार मु मैं रीजन था टांका लगे दा यार। हमारा दिमाग खराब ही मन के भाभी जी ने कई जवाब दांगा यार कि बम कटे रही हो तो अब कई वो साहब मैं टेंशन में घूमी रहा मतलब दाकड़ साहब मिलिया कि कई टेंशन में मन के इतर वो यार यहाँ हिको आया था ने सब उल्टो काम भी हो बम में रही है सुरेश बम ने घर के कांगा क्या इतरो लोड नहीं लेनो मन के वो मावर डबल ऑपरेशन नहीं करवा दी रो खाती मरीजा अभी सुरेश बम ने काढ़ा कहता कि एक काम करो क्या ने लिली मरसा खवाड़ो 1 किलो मन 4 किलो खवाड़ी कहेवरा सुरेश बम सुरक्षित बाईपास है या। तो आज आप चाहता हूँ कि आए हैं तो काटेंगे एक रात तुम्हारी बस्ती में, कि आए हैं तो काटेंगे एक रात तुम्हारी बस्ती में, चाहोगे कर लेंगे दो बात तुम्हारी बस्ती में, और मन के सुने आंगन में एक गटब बनछा जाना, कर देंगे गीतों की बरसात तुम्हारी बस्ती में, कर देंगे गीतों की बरसात तुम्हारी बस्ती में। ये भाई साहब जो खड़े हैं मेरा आपसे निवेदन है कि बैठ जाइए, इनको सुनना मैं कह रहा हूँ एक बड़ा ही सौभाग्य की बात है कि इनकी तारीख खाली मिलना और हमारे बीच आना, ये एक माता रानी की ही मेहरबानी है जो हमारे बीच है। आज हम सब सुनेंगे एक बार, मैं चाहता हूँ कि दोनों हाथ ऊपर, रमेश जी सर मैं चाहता हूँ आप दोनों हाथ ऊपर करके जोरदार ताली बजाकर आप खुद आमंत्रित करें आदरणीय सर को।